दोस्तों, हमने जो 5 मकबरे की मतलब का तस्करा कर किया था, उसमें से यहाँ 3 ही मकबरे, 2 मकबरे आगे कुछ है, हम वहाँ नहीं जा सकते। तो आपको जो दूसरा मकबरा है, 2 मकबरे की आपको ज़ियारत करवाई, दूसरा मकबरा है बाकर शाह बाबा का मकबरा, हम उसकी आपको ज़ियारत आई थी। हमने जो बात बताई थी कि 5 मकबरे हैं यहाँ पर इमामुद्दीन शाह के औलाद के, इनमें से एक तीसरा मकबरा ये भी है जो बाकर शाह के नाम से जाना जाता है। ये मकबरा है, ये इनकी कब्र मुबारक है, ये रोड के अतराफ में है। उसके अलावा दूसरे भी मकबरे हैं, इंशाल्लाह ये खुला हुआ है, या कोई रुक हमें किसी ने हमको रोका नहीं, ये खुला हुआ है, तो हम आपको अंदर से ज़ियारत करवाते हैं। ये देख लो आप वीडियो में जो देख रहे हो, ये बाकर शाह बाबा की ये दरगाह है, ये इनका मकबरा है। ये तीनों मकबरे के अलग अलग लोग ये तीनों मकबरों को अलग अलग कौम मानती है। इनमें से एक मकबरा है जिनको रबारी कौम मानती है, तो किसी मकबरे को सिख पेंथी अकायद वाले लोग मानते हैं। वो अकायद मुझे समझ में आया कौन से अकायद वाले कहते हैं कि इमाम शाह बाबा जिनको इमामुद्दीन पीर कबीरुद्दीन के लड़के हैं, उनके सिंध पेंथी इलाके अकायद वाले लोग मानते हैं। और ये मकबरा है, इनको गालिबन शायद रबारी लोग मानते हैं। यह है इनका मकबरा, ये तीसरा मकबरा हुआ। हम चौथे और पांचवें मकबरे की हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। अभी ये मकबरा हमारे अंडर में नहीं है, गैरों के अंडर में है। गैर मुस्लिम इसको इसकी संत गैर मुस्लिम की संस्था है और यही लोग चलाते हैं इस मकबरे को। लेकिन माशाल्लाह यहाँ लोग हम ज़ियारत के लिए आए तो किसी ने रोका नहीं, अच्छे अखलाक से पेश आए और अच्छी तरीके से हमको अंदर आने की भी इजाज़त दी और इस्तकबाल भी अच्छा हमारा किया और हम यहाँ अंदर मौजूद है। ये अभी हमारे मतलब के अंडर में नहीं है ये मकबरे सब, जहाँ यहाँ पुराना शहर में जितने मकबरे हैं वो हमारे अंडर में नहीं है, ये इन लोगों के अंडर में। पुराना में बस्ती है मुस्लिम, लेकिन बहुत कम बस्ती है, पहले मुसलमानों के अंडर में था, अब ये इनके अंडर में है। तो देख लो हम इंशाल्लाह दूसरे मकबरे की आपको इकराम के बाद कोई आया नहीं इन पर मेहनत करने के लिए। ये अतराफ में जितनी बस्तियाँ थी जिन जो इनके हाथ पर ईमान लाए थे, वो बाद में 1950 के अंदर कुछ लोग मुर्तद हो गए, किसी ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। ये क्योंकि इन पर कोई इनके बाद कोई मेहनत करने वाला आया नहीं। ये भी मुमन ही कौम लोग थे, एक पालनपुर इलाके में जो मुमन बिरादरी है, इन पर मतलब के गाय लोग मतलब मुस्लिम रहबर आते रहे, उन पर मेहनत होती रही, तो ये लोग अपने ईमान पर साबित कदम है। और यहाँ भी मुमन बिरादरी के लोग रहते थे, खेड़ा अतराफ में, काठियावाड़ के अंदर, या हम जहाँ आए पुराने अहमदाबाद के अतराफ के अंदर मुमन बिरादरी के लोग ही रहते थे। लेकिन पर इनके इन औलिया किराम के बात को आया नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग जहालत में इसे पड़े हुए थे। फिर भी आखिर 1950 के अंदर इन लोगों ने अपने ईमान को छोड़ दिया, कोई अपने ईमान के साथ जीता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी इस्लाम से दूर है। तो गाइज, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको किसका मकबरा देखना है हमें कमेंट में बताइए। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीडियो पीर मशाइक के मकबरे की ज़ियारत के लिए होगा, उसका इंतज़ार कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।